गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ फिल्म सिटी अपने दोस्त से मिलने। अभिलाष और मंगेश शूट कर रहा है, तो मैं रूम पे था, आज कोई काम नहीं था, तो मैं सोचा कि अपने फ्रेंडों से मिल लूँ। और बालू मामा सेट पे मुझे कुछ काम है, तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ फिल्म सिटी। और फिल्म सिटी के हम लोग शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं। मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था, वो नया नया गाँव से आया है, जिसका नाम प्रीतम प्यारी है। सो ये प्रीतम, और बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। हम लोग चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फिल्म सिटी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो वो जो दिख रहा है वहाँ पे एक शेट बन रहा है। कोई ना कोई टीवी सीरियल या मूवी या वेब सीरीज कुछ भी, मतलब मुझे पता नहीं कौन सा है वो, बट कोई ना कोई शेट बन रहा है जहाँ पे मूवी का या रियलिटी शो कुछ तो होगा, बट होगा ज़रूर। तो जब भी वो शेट स्टार्ट होने वाली होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है, वो किसी का सुर चलेगा। तो ये बहुत बड़ा सेट बन रहा है, लगता है ये रियलिटी शो का होगा कोई, चाहे वो सुपर सिंगर 2 डांस इंडिया डांस तो आगे है, कपिल शर्मा शो भी आगे है, ये किसी ना किसी टॉप शो होगा, नहीं तो कोई मूवी होगा। तो उसका भी शेट बन रहा है, अभी सेट रेडी हो रहा है। और आगे जो आप सेट देख रहे हो वो अभी शाहरुख का एक मूवी आ रहा है, उसका सेट है। मैं आपको उसका भी सेट दिखाने जा रहा हूँ, जो कि शाहरुख खान का वो सेट है, मतलब शाहरुख खान का जो वहीं पे सेट लगा और वहीं पे उनका मूवी शूट हो रहा है। तो गाइस, कितना बड़ा सेट है, इतना बड़ा सेट है, और इसका ही सेट बाजू में भी है इसके सामने। तो अभी मैं थोड़ा पीछे हूँ, इसके लिए उसके पास नहीं जा रहा हूँ। जब उसके बाजू में जाऊँगा तो फिर मैं आपको कैमरा बैक से ही दिखाऊँगा। तो ये मतलब इसके अंदर जब ये शूट सॉरी ये जब सेट रेडी हो रहा था ना, तभी मैं इधर से आता जाता रहता था। तो उसमें कैसा था, एक महल की तरह सेट है, अंदर जाओगे तो एक महल की तरह सेट लगेगा। और जितने भी मूवी वगैरह शूट होता है सब यहीं पे होता है, लेकिन वो सीन दिखाते कि मैं ये बाहर हो रहा है ऐसा वैसा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी शूट होता है सब फिल्म सिटी के अंदर ही होता है। सो देख सकते हो इसका ही एक सेट है, ये सामने अभी वो सामने जो बन रहा है सेट, ये इसका ही सेट है, दोनों सेम सेट है। और अगर आप कभी मुंबई आए हो तो एक बार फिल्म सिटी घूमने ज़रूर आ जाना, क्योंकि फिल्म सिटी बहुत ही अच्छा लोकेशन है, और यहाँ आओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा। फिल्म सिटी के अंदर जाने की मेन सड़क, जहाँ से आप कपिल शर्मा शो, डांस इंडिया डांस, सुपर सिंगर 2, आई मीन फिल्म सिटी गेट नंबर 7, A to Z फिल्म सिटी अंदर ही है, मतलब जितने भी शेट लगा हुआ है सब अंदर ही है। अभी ये तो बाहर स्टार्टिंग था तो वहाँ पे है, और दूसरी बात कैसा है, अगर आप आओगे ना तो फर्स्ट में गेट पे ही आपको पुलिस वाले चेक करेंगे। देखा कि शेट लग रहा था और यहाँ पे शूटिंग की स्टार्टअप हो रही है, और ये तो अभी स्टार्टिंग है फिल्म सिटी के अंदर। अब हम लोग जाएंगे बहुत अंदर, तो वहाँ पे और ज़्यादा मतलब आपको शूट देखने को मिलेगा और सेट रेडी मिलेगा, ठीक है। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और मैं बालू मामा टीवी सीरियल के जो मेन कैरेक्टर करे, जो मेन लीड करे, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। तो वहाँ पे जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं वहाँ पे शूटिंग भी दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, ओके। अभी शूटिंग चल रही है, तो वहाँ पे मेकअप मैन, गार्ड और वो सिक्योरिटी गार्ड जो आर्टिस्ट का हैंड होता है, जो राइट हैंड होता है, वो सब वहाँ पे खड़े हैं, और पुलिस वाले भी हैं। सो कैसा है, वहाँ पे शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, मतलब अगर मैं वहाँ उसको दिख गया कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं, मेरे फ़ोन वन भी छीन सकते हैं इसके लिए। सो ओके, ठीक है, मैं आगे फिर दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे फिल्म सिटी का जो मेन फिल्म सिटी है वहाँ पे है। कपिल शर्मा सेट चल रहा है ना, कपिल शर्मा सेट तो उधर से पड़ता है, उधर से जाता है घूम के। और बहुत ही इमेजिंग है ये फिल्म सिटी, अगर आप कभी आते हो तो मुंबई तो एक बार फिल्म सिटी ज़रूर घूमना, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा है। और ये देख सकते हो ये किसका सेट है, कपिल शर्मा का। आगे देखते हैं, अरे आगे पुलिस वाला है, कैमरा ऑफ कर लो। सॉरी गाइस, मैं अगर आप नहीं दिखा सकते क्योंकि कैसा है, कैमरा ऑन है, आगे पुलिस वाला है, देखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। ये हम लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा पीछे हैं। कैसा है, शेट का हम किसी मतलब किसी का शूटिंग चल रहा है या किसी मूवी का भी हम लोग दिखा नहीं सकते, क्योंकि कैसा है वहाँ पे वो कानून अपराध होता है, क्योंकि कैसा वो शूटिंग उतने पैसे फंसा के शूट कर रहे हैं, मैं उसका वीडियो शूट करके पहले डाल दूँ तो प्रोडक्शन वाले मेरे ऊपर FIR कर देंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, आपको मैंने इसे पिछली बार जो ब्लॉग मैंने डाला था उस ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था ना, हम लोग थिएटर देखने गए थे जिसमें शिव प्रताप मूवी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, एंड मेरे फ्रेंड उसमें काम किया था। आज मैं शिव प्रताप सेट पे ही आया हूँ,
मैं कैमरा बैक करो फिर आपको दिखाता हूँ शिव प्रताप का सेट कैसा है। देख सकते हो ये है शिव प्रताप मूवी का सेट। फर्स्ट उसका जो एपिसोड था ये शूट हो गया है, सेकेंड एपिसोड यहीं पर शूट हो रहा है। सो आप देख सकते हो और ये है सेट। बाहर से ऐसे खंडर की तरह दिखता है, अंदर जाओगे तो लगेगा कि यार मैं जन्नत में आ गया। और वहाँ पे जितने भी लाल किला वगैरह का जो भी दिखाया हुआ सीन सब अंदर का ही है, बाहर कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हो सब अंदर का ही सीन है। ओके, टीवी सीरियल तो देखा ही होगा, गुम है किसी का, गुम है किसी की, किसी के प्यार में। ओके गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही होगा टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में। आपको उसका भी सेट दिखा रहा हूँ, बाजू भी शूट हो रहा है तो उसका सेट लगा हुआ है गुम है किसी के प्यार में। और जैसा कहने वाला सेट लगा अर्जुनी, अर्जुनी टीवी सीरियल का सेट लगा हुआ है और बालू मामा का सेट बाजू में। ठीक है, तो गैस मतलब यहाँ पे ए टू जेड खाली टीवी सीरियल मूवी वगैरह जो होता है, वेब सीरीज मूवी टीवी सीरियल ओनली यही सब शूट होता है। तो आप देख रहे हो कितना इमेजिंग, मतलब कैसा है, बाहर तो एक खंडर सा दिखेगा आपको यार ये क्या है, मतलब ये कौन सा है, लेकिन अंदर जाओगे तो वाह क्या सीन रहता है, मतलब इमेजिंग। इस अभी हम लोग पहुंच गए बालू मामा सेट पे। आप देख सकते हो ये है बालू मामा का सेट। हम अपने फ्रेंड से अंदर जाके मिलेंगे। ओके, जाके मिलूँगा और बातें करेंगे, फिर उन कुछ काम है, कुछ काम करेंगे, ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, और आप देख सकते हो ये अभिलाष है, इसे ही मिलने के लिए आए थे, आपको बोला था ना। और उधर बालू मामा का सूट चल रहा है क्योंकि बास में जाके तो दिखा नहीं सकते। और मेरे भांजा को इधर ही सांप काटा था, और वो जितने भी हाँ जहाँ पे सेट लगा हुआ ना, जहाँ पे वो लोग जहाँ पर डायरेक्टर बैठे, जहाँ पे डायरेक्टर बैठे थोड़ा आगे गए ना, उधर ही सांप काटा था, वहीं पर काटा था थोड़ा सा। कितना बड़ा भांजा इनका, अरे तुम्हारे जैसा था तेरे फिर इधर ही सांप काट लेता था। और इधर एक इधर से एक बाघ से आया था, बाघ और एक कुत्ता को लेकर चला गया। हाँ, जो आया था वो डायरेक्टर, ये अभिलाष अभी इसका कैरेक्टर आने वाला है तो ये जाएगा शूट करने, अभी इधर मिलने आया। सो ओके, एंड फिर इसे बाहर निकलूंगा तो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कुएं में पानी है क्या, कुएं पर? और सेट देख रहे हो कितना सेट, मतलब एक आलीशान की जैसा है यार, कुछ भी नहीं यहाँ पे ऐसा। और फिर इसके अंदर इतना मस्त मूवी शूट कर लेते हैं वो लोग, और इतना मस्त एडिटिंग करते हैं क्या बताऊँ, खतरनाक दिखता है। सो ओके गाइस, दिखाया, सो गाइस आपको मैंने दिखाया कि बालू मामा का शूट होता कैसा है। और कैसा है, वहाँ पे सेट चालू था, मतलब टेक चालू था, तो मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता। और डायरेक्टर देख लिया था फिर मेरे को वो गाड़ी। बहुत मस्त है टीवी सीरियल, हालांकि मैं कभी देखा तो नहीं हूँ, हालांकि मैं टीवी सीरियल देखता नहीं। और वो तो आपको पता ही है सामने कौन सा है, क्योंकि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। ओके, सो हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। तुम है किसी के प्यार में 8 PM में ये चल रहा है, कौन सा है, स्टार प्लस पे आ रहा है ना, स्टार प्लस पे आता है ये सेट, इसके अंदर है और इधर ही शूट होता है। अगर आप लोगों को मिलना है ना, सब्सक्राइब करो और इतना सब्सक्राइबर बढ़ा दो कि मैं डायरेक्टली सेट पे जाके किसी स्टार से मिलूँ, उसके साथ ब्लॉग शूट करूँ और फिर आप लोगों को दिखाऊँ। सो इतना अगर आप लोग सपोर्ट कर दिए तो मैं पक्का गारंटी लेता हूँ कि जिस स्टार को आप लोग कमेंट करोगे भाई इस स्टार से मिल के भी दिखाओ, उस स्टार के पास जाऊँगा और उसके साथ ब्लॉग भी शूट करके आप लोगों को दिखाऊँगा। सपोर्ट करो, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट ही, क्योंकि देख लो आप कितना पसीना छूट रहे हैं और इतना पसीना के बावजूद भी मैं किसी के प्यार में ब्लॉग शूट कर रहे हैं। ठीक है, बनी चाओ होम डिलीवरी का उसका ही सेट है, बनी चाओ होम डिलीवरी का। तो आप देख सकते हो कितना मस्त है। अभी हम लोग जा रहे हैं कपिल शर्मा के सेट पर, फिर आपको दिखाएंगे कपिल शर्मा के शो, मतलब अंदर नहीं जा सकते, बाहर से दिखाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कपिल शर्मा का शो का ये सरक है, ये इधर कपिल शर्मा शो बाजू में, इससे बाजू में आपको दिखाता हूँ। वैसे देख सकते हो ये फिल्म सिटी के अंदर का, ये कपिल शर्मा सेट के ना सामने का नज़ारा है, पार्क जो है ये कितना आलीशान पार्क है ना, कितना आलीशान पार्क है। इसमें बहुत सारे मूवी वगैरह शूट होते रहते हैं, मूवी टीवी सीरियल फिल्म हमेशा होते रहते। कपिल शर्मा का तो, और आप देख सकते हो कपिल शर्मा का से सेट जो है वो सामने लगा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कपिल शर्मा का सेट भी। सो बस आप लोग बने रहे वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना, मैं पहले बोला था कि वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो बस आप लोग देखते रहो। इतना मेहनत करके वीडियो शूट कर रहे हैं, कम से कम 1 लाख तो बनता है यार, 1 लाख नहीं दोगे तो कोई मज़ा नहीं है, राइट ना। कम से कम लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कम से कम लाइक तो कर दो यार, लाइक तो बनता है। कपिल शर्मा का शेट,
इसके अंदर जो होता है कपिल शर्मा का शो देख सकते हो, और हम लोग इधर से भी निकल जाएंगे। टन आज कपिल शर्मा का लगता है शेट बंद है, क्योंकि जब सेट रहता है तो यहाँ पे शूटिंग होती रहती है अंदर में। तो कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा टीवी सीरियल, लगता सूट है, पता है लगता है सूट रेट चालू है क्योंकि बैन आया हुआ है ना। सूट अंदर चल रहा है क्योंकि कैसा है, बैन दो खड़े हैं तो मतलब सूट चल रहा है भाई, सूट चल रहा है, बता भाई। ए भाई सूट चल रहा है क्या दादा, मैं इसे पूछ रहा हूँ। शूटिंग अभी बंद है लगता है, निशेट अभी रेडी है देख सकते हो। चलो शूटिंग स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे चहल पहल से लग रहा है कि शूटिंग स्टार्ट है। देख सकते हो द कपिल शर्मा शो, ये है द कपिल शर्मा शो का गेट। अंदर जाने के लिए यहाँ से ऑडियंस जाती है, पीछे से स्टार लोग जाते हैं। तो मैं आपको देखा है ना द कपिल शर्मा शो, और ये है कोर्ट, जितने भी कोर्ट का सीन लिया जाता है वो यहाँ लिया जाता है, और यहीं पे हेरा फेरी का शूट हुआ था। तो आप देख सकते हो ये बोर्ड लगा हुआ है हेरा फेरी दंगल वगैरह, जितने हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग के थे व्लॉग। ठीक है, सो ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, लव यू।